ये प्रोग्राम क्या करेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। तो फिर हम वो टेक्निक अपनाते हैं कि आउटपुट किस से आता है, तो कोई आउटपुट देने वाला स्टेटमेंट होना चाहिए। यहाँ पर पुट्स स्टेटमेंट है, पुट्स या प्रिंट एफ ये आउटपुट देते हैं। पुट्स और प्रिंट एफ में इतना ही फ़र्क होता है, पुट्स में यदि सिर्फ प्रिंट एफ में कंट्रोल स्ट्रिंग दी जाए तो वो उस कंट्रोल स्ट्रिंग के एंड में न्यू लाइन में नहीं जाता, पुट्स उसको न्यू लाइन में प्रिंट कर देता है। मतलब वो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन में कर्सर चला जाता है। यहाँ पुट्स के अंदर सीधा स्ट्रिंग देने की बजाय यहाँ लिखा है काउंट परसेंटेज टू। मतलब काउंट नाम का कोई वेरिएबल है, उसका दो के साथ रिमाइंडर लेंगे, शेषफल देखेंगे। जो दो के साथ शेषफल देख रहे हैं तो सीधी सी बात है जीरो या वन होगा। और आगे क्वेश्चन मार्क कोलन ऑपरेटर काम में लिया। क्वेश्चन मार्क कोलन ऑपरेटर कुछ इफ एल्स की तरह होता है। तो यदि काउंट परसेंटेज टू की वैल्यू जीरो है तो पहली स्ट्रिंग यहाँ इनपुट में है, और इसकी वैल्यू यदि वन है काउंट परसेंटेज टू की तो दूसरी स्ट्रिंग इनपुट में है। मतलब काउंट की वैल्यू यदि इवन है, सम संख्या है, तो चार स्टार प्रिंट होंगे, और यदि काउंट की वैल्यू ऑड है, विषम संख्या है, तो काउंट परसेंटेज टू वन हो जाएगा, मतलब ये यस हो जाएगा, और ये सेकंड स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी जो कि एट टाइम्स प्लस 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 है। हम वाइल के अंदर हैं तो ये लूप चलेगा। काउंट की वैल्यू इनिशियली वन है तो इनिशियली ये कंडीशन यस होगी, यस होगी तो स्टार प्रिंट होंगे। नेक्स्ट बाद में काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज हो रही है, काउंट की नेक्स्ट वैल्यू टू होगी, जिसके लिए काउंट परसेंटेज टू जीरो हो जाएगा और प्लस 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 प्रिंट हो जाएगा। और ये रिपीटेडली काउंट की वैल्यू जब तक कि 10 या इसके 10 से कम या इसके बराबर है तब तक प्रिंट हो जाएंगे। ये नया प्रोग्राम है, ये क्या आउटपुट में देगा? तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है जो वाइल लूप के अंदर है, और एक पुट्स स्टेटमेंट है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, मतलब वो न्यू लाइन में जाने का काम करेगा। जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो उसमें लिखा है परसेंटेज एस, मतलब एक स्ट्रिंग प्रिंट होनी है, और वो स्ट्रिंग यहाँ से डिसाइड होगी। रो परसेंटेज टू की वैल्यू यदि जीरो है तो लेस देन का साइन प्रिंट होगा, और रो परसेंटेज टू की वैल्यू वन है तो ग्रेटर देन का साइन, मतलब यदि रो की वैल्यू सम संख्या विषम संख्या है, विषम है ऑड नंबर है, तो लेफ्ट एंगल ब्रेसेस प्रिंट होगा। और यदि रो की वैल्यू इवन है, सम संख्या है, तो राइट एंगल ब्रैकेट प्रिंट होगा। और ये वाइल स्टेटमेंट के अंदर है जिसमें कॉलम लेस देन इक्वल टू 10 है। कॉलम पे हम कंडीशन नहीं लगा रहे, मतलब एक साथ 10 ऐसे करेक्टर प्रिंट होंगे, चाहे वो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो। और वो एक और वाइल स्टेटमेंट के अंदर है जो रो से डिसाइड होगा। रो की इनिशियल वैल्यू हमने 10 लिया है और कम करते जा रहे हैं, तो इनिशियली रो की वैल्यू 10 है जो कि इवन है तो पहले रो में 10 बार राइट एंगल ब्रेसेस प्रिंट होंगे, और बाद में लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट राइट एंड सो ऑन होते जाएंगे। ये दो ब्लॉक दिए गए हैं जिनमें कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट हैं, कुछ पुट्स लिखा है। पुट्स मतलब कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करनी है विच विल एंड एट ए न्यू लाइन, जो न्यू नई लाइन पे एंड होगी। तो यहाँ पर यदि एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की वैल्यू 11 है तो इनका आउटपुट क्या होगा? एक्स की वैल्यू 11 और वाई की वैल्यू 9 है तो इनका आउटपुट क्या होगा? तो पहले हम इनमें इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं, मतलब जो भी लूप के अंदर है वो उतना राइट साइड में स्टार्ट हो, ये करके देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट के बाद में दूसरा इफ स्टेटमेंट है, तो दो कुछ स्पेस लेफ्ट राइट में आ गया।
पुट्स है जो उस इफ के अंदर है तो वो और राइट में आ गया, बाद में जस्ट एक स्टेटमेंट के बाद में एल्स है तो ये अंदर वाले इफ का ही एल्स है, उसके बराबर लिख दिया, पुट्स उस एल्स के अंदर है तो उसको राइट में कर दिया, और यहाँ सेमी कोलन एंड होते ही इस इफ एल सारे इफ स्टेटमेंट्स का एंड हो जाता है तो पुट्स को पूरा लेफ्ट साइड में कर दिया। दूसरा पार्ट जो है उसमें भी उसमें कुछ कर्ली ब्रेसेस लगे हुए थे तो अकॉर्डिंगली इफ और पुट्स स्टेटमेंट उनको शिफ्ट कर दिया है। अब हम पहला पार्ट लेते हैं, पहले पार्ट का आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर एक्स लेस देन टेन, पहला स्टेटमेंट है एक्स लेस देन टेन। अब यदि एक्स की वैल्यू हम 11 लेंगे तो ये इफ सेटिस्फाइड नहीं होगा, लेकिन एक्स की वैल्यू जब 9 लेंगे तो ये इफ सेटिस्फाई होगा। तो ये जो अंदर वाला इफ एल्स है उसका आउटपुट इस पर डिपेंड करेगा कि एक्स इक्वल टू 9 ले रहे हैं या 11। एक्स इक्वल टू 9 ले रहे हैं तो अंदर वाले को हम चेक करेंगे, एक्स इक्वल टू 11 ले रहे हैं तो अंदर वाले इफ एल्स को हम चेक नहीं करेंगे। मतलब वाई की वैल्यू क्या है मैटर नहीं करेगी यदि एक्स की वैल्यू 11 है, एक्स की वैल्यू 9 है उस समय अंदर वाली वैल्यू मैटर करेगी, उस समय अपने पास वाई की वैल्यू 11 है, एक्स की वैल्यू 9 है उस समय वाई की वैल्यू 11 है। वाई ग्रेटर देन 10 पर कंडीशन फुलफिल होती है स्टार्स प्रिंट करने की, और वाई की वैल्यू 11 है इसलिए कंडीशन यस हो रही है, मतलब ये स्टार्स प्रिंट करेगा, और नीचे वाला स्टेटमेंट जो डॉलर साइन प्रिंट कर रहा है वो किसी इफ एल्स के अंदर नहीं है तो वो हमेशा प्रिंट होगा। आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट एक्स इक्वल टू 9 एंड वाई इक्वल टू 11 के लिए पहले स्टार प्रिंट होंगे फिर डॉलर साइन प्रिंट होंगे। दूसरा है एक्स इक्वल टू 11 एंड वाई इक्वल टू 9 के लिए आउटपुट में सिर्फ डॉलर साइन प्रिंट होंगे। अब दूसरे पार्ट को हम दूसरे ब्लॉक को देखते हैं जिसमें इफ के अंदर इफ था। यहाँ पर इफ एक्स लेस देन 10 तो वाई तो कुछ एक्शन समय लेने हैं, यदि x लेस देन 10 नहीं है तो एल्स ये इस इफ के साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें हमें कुछ और एक्शंस लेने हैं, और एक्शंस में कुछ हैस और डॉलर साइन प्रिंट करना है। तो अब या तो स्टार्स प्रिंट होंगे या हैस एंड डॉलर साइन प्रिंट होंगे, देखते हैं कब। तो जैसे x की वैल्यू 9 है तब ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 11 है तब कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, एल्स वाला काम हो जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू 11 लेंगे तब तो हैश और डॉलर साइन ही प्रिंट होंगे, लेकिन एक्स की वैल्यू यदि 9 है तो कंडीशन ट्रू होती है और हम वाई पर कंडीशन चेक करेंगे, वाई 11 है कंडीशन यस कहेगी और स्टार्स प्रिंट होंगे। मतलब हम एक्स की वैल्यू 9 और वाई इक्वल टू 11 लेते हैं तो स्टार्स प्रिंट होंगे और कुछ नहीं होगा, एक्स की वैल्यू 11 और वाई की वैल्यू 9 लेते हैं तो हैस और डॉलर साइन दोनों प्रिंट होंगे।